हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द वीडियो। सो गाइस यार, आज की स्टूडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने फ़ोन को एक कंप्यूटर कैसे बना सकते हो इन 2024। और गाइस, इस वीडियो में मैं आपको दो तीन ऐप भी चेक करके बताने वाला हूँ कि आप कौन सा ऐप बेस्ट है, कौन सा ले सकते हो, और फुल डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। और उससे पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को लास्ट तक देखना। तो गाइस, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर खोलना है और यहाँ पे लिखना है Win7 और आपको यहाँ से सर्च कर देना है। देन यहाँ पे आपको Win7 सिमुलेटर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना है। और जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम दूसरे ऐप के बारे में भी देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है Win11, आपको लिख के यहाँ पे सर्च कर देना है। उसके बाद आ जाएगा Win11 लॉन्चर जो कि फ़ोन के लिए है, इसको भी यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। और गाइस, दोनों ऐप का मैं आपको अभी एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि कैसी इसकी एक्सपीरियंस है। तो ऐप्स को पहले इंस्टॉल हो जाने देते हैं, उसके बाद आपसे मैं मिलता हूँ। सो गाइस, आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो दोनों ऐप मेरे फ़ोन में इंस्टॉल हो चुके हैं। तो पहला हम Win7 को ओपन करके देखते हैं। सो गाइस यार, इसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। और गाइस, अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस लेना है तो आपको अपने फ़ोन में थोड़ा सा रैम होना चाहिए और थोड़ा स्टोरेज होना चाहिए। तो यहाँ पे और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सारा कुछ, यहाँ पे पूरा इंटरफेस भी यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे कंप्यूटर भी है, आपको यहाँ पे सारा कुछ, यहाँ पे जो भी इसमें आपको एक छोटा सा कर्सर जो होता है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये विंडो है, यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम होंगे आपके फ़ोन में सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पे ऑल प्रोग्राम पे सिलेक्ट करोगे सारा आ जाएगा, क्रोम जितना भी सब कुछ रहेगा यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। और गाइस, अगर आपको इसको शट डाउन करना है तो आप यहाँ पे ये बटन भी यहाँ से प्रेस कर सकते हो, सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, ये ऐप मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। सो गाइस, हमारा फर्स्ट ऐप जिसे हमने अभी टेस्ट किया है काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऐप है। और यहाँ पे हम अभी अपने सेकेंड ऐप को ट्राई करने वाले हैं जो है Win11। तो इसको अभी यहाँ पे हम ओपन करते हैं और इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एक विंडो है, यहाँ पे आपको सारा कुछ देखने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। गूगल वगैरह जो भी है आपको यहाँ पे सब देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस, आप कहोगे कि हमें यहाँ पे बैक कैसे आना है, जो बैक का बटन है आप यहाँ से सिलेक्ट करके बैक आ सकते हो। ठीक है, और ये ऐप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसके लिए भी सेम है, आप में थोड़ा आपके फ़ोन में थोड़ा सा स्टोरेज और रैम होना चाहिए। और एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।